हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डी पी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हमारा विषय है कम्यूटेशन। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपकी जिज्ञासा रहती है कि कम्यूटेशन क्या है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कम्यूटेशन क्या है, कम्यूट क्या है, इसका जो अर्थ है वो क्या है। दूसरा प्रश्न है कि क्या ये कंपलसरी है। फिर तीसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, क्या इसे हम कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पहली बात, ये कंपलसरी है क्या, प्रत्येक को लेना ही पड़ेगा? चलो, इसके बाद क्या यह की जो मात्रा है कम्यूटेशन की, क्या इसको हम ज़्यादा या कम ले सकते हैं। फिर प्रश्न आता है, क्या रिटायरमेंट के बाद भी लिया जा सकता है। फिर प्रश्न आता है कि पेंशन के संदर्भ में कम्यूटेशन का क्या अर्थ है। फिर इसके बाद में आता है कि कितना फायदा होता है इसे लेने से और कितना नुकसान होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमें इतना कम्यूटेशन, इतना अमाउंट में पैसा मिलेगा जब हम कम्यूटेशन लेंगे, कम्यूटेशन लेने पर हमें इतना पैसा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, इनके मैं जवाब आपको बारी बारी से दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और आग्रह करूँगा, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कम्यूटेशन है क्या। तो देखिए, ये एक मुश्त राशि प्राप्त करने का तरीका है जिससे आप रिटायरमेंट के बाद इस पैसे से अपना कोई काम कर सको, फिर अपनी ही बनने वाली जो पेंशन है इसी से इसका भुगतान कर सको। जैसे मान लीजिए आपको पेंशन मिल रही है कि भाई उन्होंने कह दिया कि आपको पेंशन मिलेगी, मान लीजिए 20,000 रुपये महीने। तो आपने कहा कि ऐसा करो भाई, इसमें से जो 10,000 रुपये महीने हैं इसमें से हमको पहले ही दे दो आप। तो वो कितने साल तक दे सकते हैं? 15 साल तक, कि आपने 15 साल तक का हमको 10,000 में ही हम लोग गुजारा कर लेंगे, आप हमको 15 साल तक 10,000 रुपये काट के हमें पहले ही दे दो। फिर उसका वो 8% के दर से ब्याज लेते हैं, तो उसको सरकार को भी फायदा होता है और आपको भी फायदा हो जाता है कि आप उससे काम कर सकते हो। जब सेवानिवृत्ति होने का समय आ जाता है तो आप बदले में एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने के लिए पेंशन के लिए अपनी वार्षिक पात्रता का कुछ हिस्सा छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, इसे ही कम्यूटेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सिंपल है, आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहां मैं आपको देखो, आप वीडियो जब देखोगे ना तो आप कहोगे वाह क्या बात है, मतलब आपको मालूम आज हो जाएगा कि कम्यूटेशन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे लाभ है या हानि है, ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हम लोग जब वित्तीय कार्य करते हैं तो उसको हमें विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए। ये कंपलसरी है क्या? ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप लो ना लो। क्या कम या ज़्यादा ले सकते हैं? हाँ, आप चाहें तो अपनी जो पेंशन है उसका 20% हिस्सा ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, अभी बढ़ा के 50 तक भी आप यहाँ पर आर्मी के अंदर 50 तक भी आप लोग अपनी पेंशन का हिस्सा कम्यूट करा सकते हैं। क्या रिटायरमेंट के बाद भी लिया जा सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप विद इन 1 ईयर रिटायरमेंट के आप लोग ले सकते हो। जैसे ही आपने रिटायरमेंट लिया तो उसको 1 साल के भीतर भीतर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कम्यूट के लिए आप कम्यूटेशन करा सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। फ्रेंड्स, यहां पर अगली बात करते हैं हम लोग कि ये जो कम्यूटेशन है इसका क्या यहां पर इंपैक्ट पड़ता है, क्या मतलब जैसे बोलिए आप लोग कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके क्या फायदा है, इसके क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे जो प्रश्न हैं आपको बारी बारी से इनका जो आंसर मिलने वाला है, और जो आप इस वीडियो को देखकर आज नॉलेज लेने वाले हो वो बहुत ही उच्चतम क्वालिटी की नॉलेज है।
फायदा क्या है वो बात कर लेते हैं। तो ये राशि टैक्स फ्री होती है, आपको जो भी पैसा मिलता है बड़ा अमाउंट में मिलता है तो आपको ये राशि जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, इस पर टैक्स नहीं मिलता है। आप लोग टैक्स के दायरे से ही बाहर हो जाते हो। कैसे हो जाते हो कि आप जैसे मान लीजिए आपको पेंशन मिल रही है 40,000 रुपये महीने, तो 40,000 रुपये महीने से आप लोग साल भर में क्या है कि टैक्स के दायरे में आ जाओगे, टैक्स के दायरे में आ जाओगे, तो टैक्स के दायरे में आ जाओगे। अब उसमें 40,000 रुपये तो आपकी पेंशन ही हो गई, फिर आप लोग 30-40 हज़ार रुपये महीने की और कोई इनकम जनरेट कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को क्या होगा कि उस जगह आपकी हो गई आमदनी 80,000 रुपये महीने। तो 80,000 रुपये महीने जब आपकी आमदनी होगी तो आप टैक्स देना होगा, आप टैक्स पेयर बन जाएंगे। तो आपने अगर पहले वो पैसा ले लिया, फिर इसके बाद में आप वहां से भी टैक्स फ्री हो गए और फिर आपकी जो इनकम है वो भी कम हो गई 20,000 रुपये महीने की, तो फिर आपका इस तरीके से यहाँ पर टैक्स के दायरे से आप बाहर निकल आए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़े अमाउंट में आपको एक मुश्त राशि मिल जाती है जिस पर 8% ब्याज लगता है। ये फायदा है कि आपको यहाँ पर एक छोटी सी ब्याज के रूप में यहाँ पर पैसा मिल जाता है, जो कि हमें बैंक वगैरह से लेंगे तो हो सकता है कि वहां हमें ज्यादा परसेंट ब्याज ले। फोर्थ नंबर का फायदा है राशि भरपाई पर माफी। भगवान न करे कि आप देखो, मृत्यु तो अटल है और वो जब आनी है वो आके रहेगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाय द वे भगवान न करे, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन हो जाता है ऐसा, तो मृत्यु के बाद जो भी कम्यूटेशन करा रहे हैं तो उनकी जो फैमिली होती है उससे उस पैसे को वसूला नहीं जाता है और फुल फैमिली जो पेंशन जो होती है वो मिलती है जो जो भी उसके नॉमिनी होते हैं पेंशनर्स के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 11 लाख कुछ हज़ार रुपये का यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर लगभग मिलता है कम्यूटेशन के रूप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं इसके फायदे, जान लिए फायदे, जानने के बाद में हम लोग जानते हैं इसके नुकसान। तो नुकसान क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का जब फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। अब नुकसान क्या क्या हो सकता है ये चेक करिए। देखो, आपको मिलने वाली जो मासिक पेंशन बहुत कम हो जाएगी, जिससे आपको दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स मान लीजिए आप लोग रिटायरमेंट होके आए, अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं तैयारी करूँगा किसी अच्छी पोस्ट की और मैं जाके नौकरी नहीं करूँगा, अभी तैयारी करूँगा, तो आपको क्या होगा कि जो आपका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जॉब के लिए उसमें क्या है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो मिलने वाली जो पेंशन होगी आपकी वो आधी रह जाएगी। अब उसमें खर्चे नहीं चलेंगे, तो खर्चे नहीं चलेंगे तो आपको मजबूरन बस यहाँ पर या तो कोई जॉब करना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पर कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, उसमें आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा, इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है। फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर मैं दूसरी बात करूँ तो कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न में घाटा होगा, आप रिस्क पर इस पैसे को नहीं रख सकते। अब फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस पैसे को लेके कहीं फिक्स कर दूंगा, तो फिक्स में पैसा वो फंस जाएगा, वहाँ आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे और आपको इतनी ब्याज नहीं मिलेगी जितनी आप लोग ब्याज दोगे, समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि जो ब्याज मिल रही है आपको वो 7% मिल रही है, 7.5% मिल रही है, अब जितनी मिल रही है उतनी आपने दे दी तो बचा क्या। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ जिससे आप मालूम कर पाएंगे कि आप लोग इस पैसे को लेकर भी, मतलब आप ये देखेंगे यहां पर कि आप इस पैसे को लेकर भी नुकसान में थे, ये चीज मैंने अभी पीछे बताई। अब मैं आपको ये फायदा बताऊंगा कि अगर आप लोग पैसे नहीं लेते हो, कम्यूट नहीं कराते हो पेंशन को, तो आप लोग कैसे लाभ ले सकते हो। पूरी पेंशन लें आप पूरी पेंशन लें और उस पेंशन का जो हिस्सा आपने सरकार को वापस देना था, जो कम्यूट के लिए आपके पैसे सरकार को दोगे, उसे इन्वेस्ट करो और उसका ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि मान लीजिए जो आप पैसा दे रहे थे सरकार को, मान लीजिए वो मान लीजिए 10,238 रुपये, एक कल्पना कर रहे हैं, प्रति मंथ आप दे रहे हैं, उसको आप 10% कंपाउंड ब्याज जहां मिले आपको 15 साल के लिए करो 10,238 रुपये का, 15 साल बाद इस जो पैसा बनेगा वो 36,59,000 रुपये बनेगा फ्रेंड्स, और उसमें से प्योर इनकम जो होगी आपकी, ये टोटल बनना है, प्योर इनकम होगी वो 17,30,000 रुपये बनेंगे फ्रेंड्स। अब बताइए
अब देखिए आप लोगों को जो पैसा वहां पर मिल रहा था वो कितना पैसा मिल रहा था, लगभग 11 लाख, जबकि यहां पर आपको कितने मिल गए, 17 लाख। तो अब बताइए उसमें बेनिफिट है या इसमें बेनिफिट है? और फिर भी वहां जो पैसा था उसमें क्या थी, एक फिक्स हो जाता, और यहां पर आप लोग कभी भी अपना जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, वहां नहीं कर सकते थे आप। कम्यूटेशन से अच्छा तो आप टर्म, आप सोचेंगे भाई वहां तो इंश्योरेंस हो जाता है, पैसा बच जाता है, अगर खत्म हो जाते हैं तो पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। तो फिर उसके लिए मैं बताता हूँ, आप एक ऐसा इंश्योरेंस टर्म लीजिए, टर्म इंश्योरेंस होता है लाइफ रिस्क कवर का, कि उसमें आपकी लगभग 1200 या 1300 रुपये महीने की किस्त जाती है, उसमें 50 लाख तक का आपको 80 साल तक, जब तक आप 80 साल के होंगे तब तक आपको कवरेज मिल जाता है। और फ्रेंड्स उसमें कितना कवरेज मिल रहा था, वहां पर आपको केवल और केवल 15 साल के लिए ही कवरेज मिल रहा था। तो फ्रेंड्स यहां पर मेरा तो मानना यह है कि हमको कम्यूट नहीं कराना चाहिए पेंशन का, बहुत ही मजबूरी है तो आप लोग करा सकते हो, नहीं हमें अपनी पेंशन कभी बेचनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि यहाँ पर अब जिसको नॉलेज है, जिसने जो पेंशन को बेचने से बचता है, इसको अब पता, एक आदमी जिसने पेंशन बेचा है उससे बात करना, एक आदमी जिसने पेंशन नहीं बेचा है उससे बात करना, दोनों की खुशी में अंतर होगा। सैनिकों के लिए कम्यूटेशन का कैलकुलेशन, और फिर वो टर्म वो कंडीशन के ऊपर पड़ता है कि वहाँ पर कौन कैसा किस तरीके से उस पैसे को यूज़ कर रहा है। फ्रेंड्स सैनिकों के लिए कम्यूटेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, जब भी आप रिटायर होते हैं तो विदाउट कम्यूटेशन पेंशन ले सकते हो या फिर कम्यूटेशन भी ले सकते हो। कम्यूटेशन क्या है और इसके फायदे या नुकसान जानने के लिए आपने पूरा आर्टिकल देखा, यहां तक वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। कम्यूटेशन मतलब आपको सरकार की तरफ से एक किस्त में दी जाने वाली रकम होती है, यह एक तरह का लोन होता है जहां आपको हर महीने मिलने वाली पेंशन का थोड़ा हिस्सा इसको चुकाना होता है, जिसके लिए आपको 15 साल मिलती हैं इस पैसे को चुकाने के लिए, आपकी पेंशन से 15 साल तक वो पैसा लगातार कटता रहेगा। वैसे यहाँ पर कई जगह स्टेट गुजरात वगैरह में 12 साल का भी कम्यूटेशन हो गया है कि आप लोग 12 साल तक पूरा कर सकते हैं पैसा। चलिए सबसे पहले यहाँ कम्यूटेशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले को समझते हैं। 50 ऑफ पेंशंस एंड 12 इंटू पीवी, पीवी क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 50% पेंशन हो गई, बेसिक का जो पेंशन है उसका आधा हो गया, प्रेजेंट जो आपका परचेज वैल्यू इसकी जो भी पेंशन की उस समय क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पर जो पीसीडीए द्वारा जो चार्ट दिया हुआ है उसमें से आपको पीवी सेलेक्ट करनी होती है। पीवी की, पीवी क्या है, जो आपकी रनिंग एज है उसके हिसाब से फैक्टर आपको सेलेक्ट करना होता है। वो आगे हम लोग देख लेते हैं कि वो टेबल क्या है, और इस टेबल का जो नॉलेज है हमको अच्छी तरीके से होना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पीसीडीए ने बना के इसको चार्ट को दिया है। तो देखो यहाँ पर एज फैक्टर है, जैसे मान लीजिए किन्हीं व्यक्ति की एज है 30, तो यहाँ पर जो पीवी लगेगा वो उनका 9.173 लगेगा। ऐसे ही किसी की उम्र है फ्रेंड्स मान लीजिए 40, तो उनका जो फैक्टर है वो यहाँ पर 9.090 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी कम उम्र होगी उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना ही कम पैसा मिलता जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया होगा। इसकी अगर हम लोग आपको एक उदाहरण के साथ एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर कितना ये होता है, कैसे है, तो मान लीजिए आपकी पेंशन है 20,200। यहाँ पर हम बेसिक पेंशन की बात कर रहे हैं, फुल पेंशन की नहीं कर रहे। आपके बेसिक पेंशन का आधा कितना होता है, 10,100 हो गया। अब मान लीजिए आपकी उम्र 36 साल है, तो उस हिसाब से आपकी जो पीवी है वो 9.136 हो जाती है। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं पीछे जाके कि क्या ये 36 वर्ष की जो है वो पूरी जो हमने बताई थी क्या वो सही निकली है। तो 36 वर्ष की अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 36 की, तो 9.136 ही यहाँ पर जो पीवी है वो निकल के आई है, यहाँ पर जो भी चार्ट में एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग इसको फॉर्मूला में रखते हैं तो 50% ऑफ पेंशन ये हो गया 10,100 एंड 12 हो गया, इसके बाद 9.136 हो गया, तो ये कुल मिला के यहाँ पर जो पैसा मिला 11,07,283 रुपये मिले फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये आपकी कम्यूटेशन अमाउंट होगा जो आपको रिटायर होते समय या रिटायर होने के एक साल बाद तक भी मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% तक ही कम्यूटेशन ले सकते हो, आप चाहे तो 50 से कम भी ले सकते हो, 20 तक भी ले सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपको कितनी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर महीने आने वाली पेंशन से आपका कितना पैसा
कम्यूटेशन के लिए कटेगा और आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आपकी जो बेसिक पेंशन है उस पर डीए भी मिलेगा, मतलब जो बेसिक पेंशन है उस पर आपको जो जो भी आपने पैसा लिया है और जो बच रहा है उस टोटल पेंशन जो बेसिक है उस पर आपका डीए मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाएं 20,200 पे डीए कितना बना, 40% जो प्रेजेंट चल रहा है तो वो यहाँ पर 9,292 रुपये बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे कैलकुलेशन देखते हैं कि इस अमाउंट को आपके बेसिक पेंशन के आधे हिस्से में जोड़ना है, मतलब 10,100 को अब हम 9,292 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो 19,392 रुपये हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर महीना आपको जो पेंशन का जो हिस्सा होगा वो 19,392 रुपये आपको मिलेंगे। आपने अपनी बेसिक पेंशन का आधा हिस्सा यानी 10,100 की बिक्री कर दी, मतलब आपको हर महीने मिलने वाली पेंशन जो है वो 10,100 कटेगा, मतलब 19,392 में से 10,100 मतलब 9,292 आपके पेंशन से 10,100 कट रहा है, वो भी 15 साल तक। अब 15 साल में 180 महीने होते हैं, अब इसकी आप कैलकुलेशन करते हो मतलब 10,100 × 180 मतलब पैसा जो कटाया वो कटा 18,18,000, पैसा मिला था आपको 11,00,000 और कटा कितना 18,18,000 रुपए। तो आप यहां ध्यान से देखें, कम्यूटेशन लेबर 15 साल में आपने यहां पर 18,18,000 की रकम चुकाई, जबकि आपने कम्यूटेशन सिर्फ 11,07,283 रुपए लिया था, तो आपने कुल 7,10,717 की रकम चुकाई है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा होगा तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स यहां पर आपने ये भी चेक कर लिया होगा कि इस कम्यूटेशन को लेने से हमें कितना लाभ है और कितना हानि है। तो फ्रेंड्स यहां पर ऐसे ही किसी जानकारी पूर्ण टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।